अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं GS Academy YouTube चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद जमील। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे मैट्रिसेस है क्वेश्चन में, मैट्रिसेस। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है हमारे पास। मैट्रिक्स क्या चीज़ है, तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, इट इज एन एरे ऑफ नंबर। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है इट इज एन एरे ऑफ नंबर। अब आपके जहन में क्वेश्चन जा रहा होगा कि हमारे पास एरे क्या चीज है। एरे का असल तरतीब को बोलते हैं। वो तरतीब जो है, वो तरतीब है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब एक किस चीज की तरतीब है। फर्ज करते हैं हम एक मैट्रिक्स ए लेते हैं। मैट्रिक्स में हम 1, 2, 3, 3, 2, 1 कोई से इंट्रीज ले लेते हैं। ठीक है, इंट्रीज 1, 2, 3, 3, 2, 1 इट्स कॉल्ड द इंट्रीज। हमने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा की और उसमें कुछ इंट्रीज ली। इंट्रीज ये 1, 2, 3, 3, 2, 1 को कहते हैं। ठीक है, ये इंट्रीज आप वैसे में एग्जांपल के लिए लिया मैंने। यहाँ पर मैं अगर 4 लेना चाहूँ तो मैं 4 भी ले सकता हूँ। अपनी तरफ से मैंने एक मैट्रिक्स जो है वो लिया है, फर्ज किया है, लेट किया है। आज हम देखते हैं कि मैट्रिक्स, ये तो डेफिनेशन होगी मैट्रिक्स, इट इज एन एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स में दो चीजें पाई जाती हैं हमारे पास। नंबर 1, मैट्रिक्स में रो पाए जाते हैं। रो हमारे पास ये चीज पाई जाती है, इसको कहते हैं रो, R1 रो एंड R2 रो। ठीक है, इसको हम पूरा लिख लेते हैं रो। ठीक है, R O W रो। ठीक है, R O W रो, Row 1 एंड Row 2। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। रो हमेशा हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मौजूद होंगे। अब इसमें एक और चीज होती है, वो होती है हमारे पास कॉलम्स। जो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में मौजूद होंगे उसको हम कहेंगे कॉलम्स, COLUMS, कॉलम। इसको हम 1 का नाम देते हैं, ये कॉलम 2 है हमारे पास, इसको कॉलम 2 का नाम देते हैं, और ये हमारे पास कॉलम क्या है, 3। हमारे पास रो 1 एंड रो 2 मौजूद है, जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो भी एंट्रीज मौजूद होंगी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब इस की शक्ल, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म, और इस शक्ल को कहते हैं वर्टिकल फॉर्म। ये जो कॉलम होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं, वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो है कि ऑर्डर क्या चीज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लुरल फॉर्म है, और इसकी जो मैट्रिक्स है ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया, इट इज एन एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, फिर उस मैट्रिक्स हमने एक फर्ज किया, और मैट्रिक्स में क्या चीज पाई गई, एक तो हमारे पास रो पाई गई, और दूसरा क्या हुआ, हमारे पास कॉलम्स पाए गए। इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर क्या चीज है, अब जहां हम ऑर्डर के बारे में देखते हैं, ऑर्डर क्या चीज होती है। ऑर्डर कहते हैं द नंबर ऑफ द नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर। हम यूं भी ले सकते हैं द नंबर्स ऑफ इन मैट्रिक्स ले सकते हैं। ठीक है, इन मैट्रिक्स में
यहाँ हम थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, इन मैट्रिक्स ठीक है, इन मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑर्डर हम किस तरह मालूम करेंगे और किस तरह लिखेंगे। अब हम इसको एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाएंगे ठीक है। तो स्टूडेंट अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या चीज है और इसमें रो क्या चीज है और कॉलम्स क्या चीज है। अब हम जो क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं ये फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्सेस, इसमें हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, बी लिया और सी लिया। इस मैट्रिक्स में अब हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मौजूद होंगे उसको हम करेंगे रो वन एंड रो टू, और जो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में मौजूद होंगी चीजें, जो वर्टिकल फॉर्म में एंट्रीज मौजूद होंगी उसको हम कॉलम्स बोलेंगे ठीक है। और ऑर्डर किस तरह मालूम करते हैं, ऑर्डर होते हैं सबसे पहले हम उनको बताएंगे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू टू, ये देखें वन एंड टू ठीक है। नंबर ऑफ रोज टू है और नंबर ऑफ एन ओ स्टैंड फॉर नंबर ऑफ, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू टू। अब ऑर्डर किस तरह फाइंड करेंगे, यहां लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू हमारे पास होता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर जो होगा हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास, ये देखिए आर वन एंड आर टू मतलब टू, ये फिर ये ऑर्डर लिखने का एक जो मेथड दिया गया है कि टू बाई मतलब टू हमारे पास रो है और टू हमारे पास कॉलम्स मौजूद हैं। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी, हम मजीद इसका पार्ट बी करते हैं, आपको मजीद और समझ आ जाएगी। ये देखें जैसा कि मैंने आपको बताया इसको कहते हैं हमारे पास ये है रो जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मौजूद है ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम्स हैं जो कि हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में मौजूद हैं। अब हम इसको ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर हमारे पास होता है सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू ये देखें वन एंड टू ठीक है, और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स वो बराबर है ये देखें सी वन एंड सी टू ठीक है। रो वन एंड टू मतलब टू रोज मौजूद हैं और कॉलम्स भी टू मौजूद हैं। जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर हमारे पास होता है जैसे कि आपको पता है हमने पहले भी लिखा है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास टू बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं सी वन एंड सी टू टू ठीक है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, ये देखें इसमें ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मौजूद है इसको हम आर वन कहेंगे, और ये हमारे पास जो वर्टिकल फॉर्म में मौजूद है इसको मतलब सी वन एंड सी टू, आर वन स्टैंड फॉर रो एंड सी वन स्टैंड फॉर कॉलम्स ठीक है। अब यहां हम लिखेंगे इसका ऑर्डर, ऑर्डर लिखने से पहले हम पहले बताएंगे इसमें नंबर ऑफ रो कितनी मौजूद है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू हमारे पास वन है और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सी वन एंड सी टू टू। जब हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो ऑर्डर इज इक्वल टू हमने पहले भी लिखा है नंबर ऑफ रोज बाय, मैं थोड़ा यहां आपको समझा दूं आपको समझ आए, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे,
ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो क्या है आर वन, मतलब वन रो है, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम कितने हैं वन एंड टू, और टू हमारे पास क्या है कॉलम्स मौजूद हैं। अब हम इसके मजीद पार्ट हल करते हैं, अब हम इसके मजीद पार्ट हल करेंगे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमने अब पार्ट डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो होगा वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें अब इसके रॉ और कॉलम फाइंड करते हैं। आपको पता है पहले से कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मौजूद होंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो चीजें एंट्रीज इन 4, 0 एंड 6 इज कॉल्ड एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये क्या मौजूद है रो मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास रो मौजूद है, और ये हमारे पास ये जो मौजूद है वर्टिकल फॉर्म में इनको बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है, ये कॉलम वन। जब हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो यहां लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ, उनको बताएंगे इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, आर वन आर टू आर थ्री, रो वन रो टू रो थ्री, और इसके बाद हम बताएंगे इसको नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल सी वन, मतलब कि एक ही कॉलम है। जब हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो ऑर्डर होता है हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर को हम जब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहां से देखें नंबर ऑफ रोज 3 है, तो 3 ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म में बाय 1, इसमें देखें कॉलम्स कितने हैं 1, 3 बाय 1 इट इज द आंसर, ठीक है। अब हम ई का प्रूव करेंगे, जैसा कि आपको पता है ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मौजूद है इनको हम कहते हैं रो, रो 1 रो 2 एंड रो 3, और जो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में मौजूद है चीजें उनको कॉलम्स बोलते हैं। ये एंट्रीज होती हैं हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर शेप में जो भी चीजें हमारे पास मौजूद है नंबर्स हैं इनको हम एंट्रीज बोलते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं आप। तो ये देखें जब हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो अब मैं डायरेक्ट ये लिखने लगा, ऑर्डर जो होता है हमारे पास वो अब देखें ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो कितने आर वन आर टू एंड आर थ्री, तो यहाँ 3 बाई, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2, तो ये इट इज द आंसर। तो हमारे पास ये जवाब होगा। अब हम इसके लिए प्रूव करते हैं, ये देखें ये जो मौजूद है हमारे पास ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। जब हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 एंड ऑर्डर इज इक्वल टू बराबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब ऑर्डर को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं आर वन, मतलब 1 एंड 1 बाय 1, 1 ही हमारे पास रो है और 1 ही हमारे पास कॉलम मौजूद है, ठीक है। अब हम करेंगे इसके लिए, ये देखें जैसा कि आपको पता है ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मौजूद है चीजें इसको हम कहते हैं रो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मौजूद एंट्रीज इज कॉल्ड रो, एंड वर्टिकल फॉर्म द नंबर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इन वर्टिकल फॉर्म इज कॉल्ड कॉलम, सी वन सी टू सी थ्री। हम जब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर इज इक्वल टू हमारे पास कितने हमारे पास हैं रो, यहाँ 3 रो लिख लेंगे, बाय कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, कॉलम हमारे पास 3 है, ठीक है, कॉलम भी 3 रो भी 3 कॉलम भी 3। नेक्स्ट पार्ट हम हल करते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट में देखें, नेक्स्ट पार्ट में भी ये देखें इसमें एक रो ये दूसरी रो और ये कॉलम सी वन, ये कॉलम सी टू और ये कॉलम सी थ्री। अब जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, मैं ऑर्डर डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये वाला ऑर्डर डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका भी ऑर्डर डायरेक्ट लिखा है मैंने, ठीक है, इसका भी ऑर्डर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। ऑर्डर जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, सॉरी इधर लिख लेता हूं,
इधर लिख सकते हैं आर्टरीसा आर्टर। आर्टर जो है हमारे पास वो है 2/3। टू से मुराद ये हमारे पास रो है और थ्री जो है कॉलम्स है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिसेस का इक्वल होना जिसमें रो और कॉलम सेम हो, मतलब इसका अगर रो और कॉलम, इसका अगर रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, कोई इनमें से कोई और हम मैट्रिसेस ढूंढेंगे जिसका रो और कॉलम जो हो वो हमारे पास सेम हो, वो हमारे पास कौन सा होगा? तो हम देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले ये देखें अगर इसमें हमारे पास एक ही हमारे पास रो है और इसमें एक ही हमारे पास कॉलम है, इनमें से अब देखें, इसमें से देखें या इसमें से देखें, ठीक है। ये देखें, अब अगर हम 5 में से 3 माइनस कर दें तो ये 2 बचता है, ठीक है। ये देखें, अब ये इसका भी रो 1 है और उसकी कॉलम भी 1 है, और इसका भी रो 1 है और कॉलम भी 1 है, मतलब कि ये मैट्रिक्स ए बराबर है सी, मतलब ए का भी 1 रो है और कॉलम, और सी का भी एक ही रो है और एक कॉलम। अब बी के लिए ढूंढे हम, बी के हमारे पास क्या एंट्रीज क्या मौजूद है? हमारे पास 3 और 5, मतलब कि एक हमारे पास रो मौजूद है, 2 कॉलम मौजूद है, ठीक है। अब देखें इसमें यदि ये बी हमारे पास, ये देखें ये सेम टू सेम है, इसमें भी एक रो है और कॉलम हमारे पास 2 है, इसमें भी हमारे पास एक रो है और कॉलम क्या है हमारे पास 2 है, मतलब बी बराबर है डी के। यहाँ जवाब में लिख सकते हैं बी बराबर है डी के। अब देखते हैं, अब ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब ये भी। अब देखते हैं हम जिसमें R1 and R2, इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। अब ऐसे हम दूसरी मैट्रिक्स ढूंढें जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। सबसे पहले तो ये देखें, इसमें भी हमारे पास 2 रो है, ठीक है, और 2 ही कॉलम है, मतलब के E बराबर है H के। लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं E बराबर है H के, मतलब इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, इन्हीं को कहते हैं कि ये इक्वल है। हमने इक्वल मैट्रिक्स जो है वो तलाश करके रखने हैं। अब ये देखें, अब इसको अगर किया जाए, ये मजीद इसको हल किया, ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। इसमें भी हमारे पास क्या मौजूद है? 2 रो और 2 कॉलम, मतलब ई बराबर एच और एच बराबर है जे, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब ये देखते हैं मजीद हल करते हैं हम, कोई से एल, ये देखें 3 इसमें क्या है? आई, 3 बराबर है, अब ये भी हो गया हमारे पास। अब इसको हल करते हैं, अगर ये 3 में से 3 में से 1 निकाले तो 2 बचता है हमारे पास, ठीक है, 2 बचता है और इसमें 1 प्लस कर दें, ये 4, मतलब इसमें क्या है? 2 रो है और 1 कॉलम है। और ये देखें इसमें क्या मौजूद है, सॉरी इसमें 2 रो मौजूद है। अब कोई और हम मैट्रिक्स ढूंढें इसमें 2 रो मौजूद हो, ठीक है। बस हमने क्लास कर लिया कि ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, ई बराबर एच के, और एच बराबर है हमारे पास जी के, सॉरी जे के बराबर है। हमने देखते हैं हमने कोई मैट्रिक्स यहां से छोड़ तो नहीं दिया, बुक्स में से देखते हैं। ये देखें मिल गया। ये अगर हम माइनस करें, इसमें 2 रो मौजूद है और 1 कॉलम मौजूद है, इसमें भी 2 हमारे पास रो है, ये देखें R1, R2 and C1, और ये मतलब लिख सकते हैं हम C = GK। अब हमने क्लास कर लिया कि A मैट्रिक्स C के बराबर है, ये A मैट्रिक्स C के बराबर, मतलब इसमें भी 1 रो और 1 कॉलम है, इसमें भी 1 रो 1 कॉलम मौजूद है। दूसरा हमने क्लास किया B = D, इट मीन दैट बी जो मैट्रिक्स है डी के बराबर है, इसमें 1 रो 2 कॉलम है, 2 कॉलम्स हैं, और डी देखते हैं हम, इसमें भी 1 रो 2 कॉलम्स मौजूद हैं। अब देखते हैं हम ई, ई बराबर एच के और एच बराबर जे के, ये हमने तलाश किए हैं,
ये देखें, ई में भी हमारे पास टू रो टू कॉलम और एच में भी टू रो टू कॉलम और हमारे पास जे में भी टू रो टू कॉलम मौजूद है। और अब देखें ये जो मैट्रिक्स है एफ बराबर जी, ये मैट्रिक्स की बराबर होगा, एफ किधर गया तलाश करिए, इसमें टू रो वन कॉलम और जी देखें हम, इसमें भी टू रो और वन कॉलम मौजूद है क्योंकि इसको हमने ऐड कर दिया, थ्री प्लस वन फोर बन जाएगा, थ्री माइनस थ्री सब्ट्रैक्ट वन इज इक्वल टू टू, ठीक है, ये वाला कॉलम बन जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास जी ये एफ के बराबर हो जाएगा, यहाँ हमने लिख दिया। इस तरह हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर वन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थ्री को हल करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.2 को मजीद हल करेंगे।